इसमें पानी चला जाए तो आपको पानी कैसे निकाला दोस्तों, देखिए फोन में चालू, ये हमारा फोन है, देखिए बिल्कुल पानी गिरा दोस्तों, देखिए आप देखो हमारे फोन पानी गिरा दोस्तों, थोड़ा बहुत पानी गिरा दोस्तों पानी से, देखिए हमारा भी पानी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा आपको फोन में पानी चला जाए, अगर आपको फोन में पानी चला जाए तो पानी कैसे बाहर निकालें, कैसे पानी को सोखें और क्या करना चाहिए अगर आप सोख वाले हो, दुकान वाले हो तो, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर पानी चला गया, देखिए कनेक्टर हमारा खराब हो गया, कनेक्टर भी हमारा साइड में रखा है, इसको देखेंगे, और यहाँ पे केबल लगा दोस्तों, तो हम जैसे ओपन करने दोस्तों अभी फोन हमारा स्विच ऑफ दोस्तों, तब एक बार इस फोन को हम पूरा डिसअसेंबल करेंगे, और देखिए दोस्तों अभी सब सूख गया दोस्तों, मेरे फोन पूरा पानी में गिरा हुआ दोस्तों, तो हम क्या करेंगे ओपन करेंगे दोस्तों, हम फटाफट फोन को ओपन कर लेते हैं और इसकी सर्विस करते हैं दोस्तों, और इसका पानी कहाँ था तो आपको बताएंगे पूरा सूझ दोस्तों, और पानी कैसे निकालना वो भी बताएंगे दोस्तों, दोस्तों कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं दोस्तों, तो फोन को ओपन करना दोस्तों, दोस्तों इस फोन में बहुत सारा पानी गया दोस्तों, यहाँ पे गया यहाँ पे गया, वैसे हेडफोन आइकन गया दोस्तों, एक बार में क्या करूँगा पूरा ओपन करूँगा दोस्तों, और पूरा सर्विस करूँगा अच्छे से ताकि इस फोन में अच्छे से पानी निकल जाए दोस्तों, और फिर हम फोन चालू करेंगे, फोन चालू भी होता है, अगर उसका हाथ इसका हाथ फुटिंग वगैरह है तो वो भी सेम हो गया दोस्तों, रिमूव अगर फोन पानी जाएगा तो उसमें हाथ फुटिंग होगा दोस्तों, तो काफ़ी लाइट हो गया दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों, तो अभी देखेंगे ये खोलेंगे, ये खोलेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे हमारे एक बार भी खुला हुआ दोस्तों, ठीक है हमारे फोन खुला गया दोस्तों, एक बार हमारे फोन खुला हुआ दोस्तों, और पहली बार भी हमारा फोन खुला हुआ दोस्तों, तो हम इसमें ये सब खोलेंगे दोस्तों, तो फटाफट हम फोन को ओपन करेंगे दोस्तों, टेप भी लगा दोस्तों, हालत क्या बनाई दोस्तों, फोन की यहाँ पे कितना पानी दोस्तों, पानी कहाँ कोमो के अंदर पानी गया, कोमो बना दोस्तों, देखिए माय गॉड, देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी निकलता, देखिए नॉर्मल पानी दोस्तों, यहाँ पे पानी बहुत नुकसान करता दोस्तों, फोन खराब करेगा दोस्तों, अगर फोन हमारा खराब होगा तो पानी कैसे खराब होगा दोस्तों, बाकी किसी वजह से दोस्तों, देखिए ये पानी दोस्तों, ये देखिए गिरा गया, ये अभी पानी दोस्तों, देखिए अभी पानी कोमो में गया दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों पानी, यहाँ पानी दोस्तों, यहाँ गिरा गया, इसके अंदर पानी गया, फिर वहाँ से यहाँ आया दोस्तों, बैठ गया फिर हमारा बेल्ट काम करना बंद रहता है, जो मैं कंपनी छोटा छोड़ते उसके हमारे कंपनी ऑटोमेटिक काम करता दोस्तों, ऑटोमेटिक काम करना चाहिए दोस्तों, तो आपको इस बात का अच्छा ध्यान रखना, आपको अपना फोन पानी से बचाना दोस्तों, आपको अपना फोन पानी से बचाना दोस्तों, हम इसको सर्विस करके कोशिश करना, हमारे कैमरा में से बड़ा कैमरा हमारा पड़ेगा दोस्तों, देखिए कैमरा में पानी दोस्तों, देखिए ऊपर साइड पानी, यहाँ पे साइड पानी, यहाँ सेकंड कैमरा, पानी क्या करेंगे दोस्तों, क्या होगा इसके अंदर, हाँ अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इस किसी के फोन साफ करने के लिए पानी आया बंद करेंगे दोस्तों, फिर मान के और हमारे किसी भी मेरा किसी में वाटर देना दोस्तों, बिल्कुल किसी भी वाटर देना दोस्तों, यहाँ पे पूरा वाटर देना दोस्तों, फिर हम पूरा पानी निकालेंगे दोस्तों, फिर हम फोन को चालू करेंगे दोस्तों, हमने हाथ से पेट्रोल दोस्तों, हम चेंज करेंगे अच्छे से, हम चेंज करेंगे दोस्तों, पूरा पानी निकालना चाहिए दोस्तों, देखिए हम कितना अच्छे से चेंज कर रहे हैं दोस्तों, हमारे फोन में पानी नहीं होना चाहिए, पानी रहेगा तो हमारा फोन नहीं चलेगा दोस्तों, हमारा फोन हैंग हो सकता है या फिर ये करेगा दोस्तों, वो सी चीज़ें हमें बोलना सकते हैं हमारे फोन में, देखिए हम साफ कर लेते हैं अच्छे से, अच्छे से पानी साफ करना काम करें, ये हमारे सभी पानी दोस्तों, हमारे सभी पानी दोस्तों, इसको साफ करें, घर पर ही काम करते हैं दोस्तों, आपको पेट्रोल चाहिए ना, आप पेट्रोल
इसमें भी पानी है दोस्तों, कितना सारा। देखिए पानी देख सकते हो आप, इसमें देखिए कितना पानी है दोस्तों, देख सकते हो इसमें। देखिए दोस्तों कितना सारा इसमें पानी है दोस्तों, देखिए। अभी इसमें सेंसर भी काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं दोस्तों। हम इसको भी क्लीन कर लेते हैं फटाफट। पानी इसमें भी गया हुआ दोस्तों, देखिए पानी इसमें भी गया हुआ। तो क्या लगता है इसमें काम करेगा फिंगर? पानी में गया हुआ दोस्तों फोन। दोस्तों को क्या लगता है इस फोन में फिंगर काम करेगा नहीं करेगा, कमेंट करना दोस्तों। देखिए साफ कर लिया हमने।
दोस्तों बारी आ गई है एसी लगाने की। अब हम एसी लगाने वाला दोस्तों, अब इसको हम लगा देते हैं। देखिए दोस्तों हमारे स्क्रू भी पानी में घुस गए। दोस्तों हमारे तो स्क्रू भी पानी वाले हो गए दोस्तों, तो पानी से डुबकी मार के अभी निकले दोस्तों हमारे स्क्रू ड्राइवर। देखिए दोस्तों हमने फ़ोन फिटिंग कर लिया दोस्तों अच्छे से। देखिए हमने जैसा फ़ोन खोला था वैसे फिटिंग भी कर लिया दोस्तों। अब बारी इस फ़ोन को हमें चालू करने की। दोस्तों क्या लगता है ये फ़ोन अब चालू होगा कि नहीं होगा दोस्तों? दोस्तों ये फ़ोन चालू तो हो जाएगा दोस्तों, बट इसमें पानी चला गया था तो हमने इस पानी को बाहर निकाल दिया दोस्तों। अच्छे से हमने सर्विस करी इस पूरे फ़ोन में, यहाँ पे करी यहाँ पे करी और पानी निकाल दिया दोस्तों इसके अंदर से। अब हमारा फ़ोन अच्छे से वर्क करेगा और अच्छे से काम करेगा और इसका पूरा पानी हमने निकाल दिया दोस्तों। और यहाँ यहाँ से भी हमने पानी निकाल दिया दोस्तों। देखिए हमारा कैमरा भी थोड़ा बहुत साफ हो गया दोस्तों। तो अब इसको चालू करेंगे, हम चेक करेंगे इसके अंदर और कुछ दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। बट आपको अगर आपका फ़ोन पानी में चला जाए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले इस फ़ोन को खोल के आपको अच्छे से मदरबोर्ड की या सीसी फ्लेक्स आपको सर्विस कर लेनी है, पानी वो भी पेट्रोल की मदद से, पेट्रोल थिनर की सहायता से दोस्तों, ताकि हमारा जो पेट्रोल जो हमारा मदरबोर्ड रहेगा वो अच्छा फ्रेश रहेगा और चलता रहेगा दोस्तों। अगर इसमें पानी जाएगा आप देख सकते हो कितना पानी गया था दोस्तों अंदर, तो मैंने कितना पानी को साफ किया। तो आपका फ़ोन में अगर पानी में जाएगा तो आपका फ़ोन 1 से 2 महीना चलेगा, उसके बाद आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों। तब इस फ़ोन में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। हाँ अगर आप ये पानी में जाएगा फिर से तो आ सकती है, बल्कि अगर ऐसे चलाएगा तो एक हाथ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों इसके अंदर, है ना? तो अब इस फ़ोन को हम चालू कर लेते हैं एक बार। देखिए चालू तो अभी नहीं हुआ, फिर लगाते एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए दोस्तों अब चालू, देखिए अब चालू हो गया दोस्तों हमारा फ़ोन। दोस्तों अभी आपको आपको अपने फ़ोन को पानी से ज़रूर बचाना दोस्तों। अभी हम हीट कर देते हैं हल्के हल्के आगे भी, ताकि हमारा पानी जो भी हो निकल जाए। सबसे मेन पानी आपको नहीं रखना है फ़ोन में। गर्म करूंगा तो पानी पूरा हमारा निकल जाएगा दोस्तों इसके अंदर से। देखिए हमारा कॉम्बो ओरिजिनल है दोस्तों, तभी इसमें काम कर रहा है अभी तक। अगर अगर कॉपी कॉम्बो होता दोस्तों तो अभी इसके अंदर ब्लैंक या डिस्प्ले हमारा गया होता दोस्तों पानी में जाते ही। देखिए हम अच्छे से इसको हीट करके गर्म कर देंगे, इसमें जो पानी वगैरह होगा वो सब निकल जाएगा दोस्तों। नहीं सब काम कर रहा बढ़िया सा। फिट कर देते एक बार, ये हमारे लगा देते फिंगर पर दोस्तों। ये हमने इसमें लगा दिया फिंगरप्रिंट का बटन दोस्तों। तो क्या लगता है इसमें फिंगरप्रिंट काम करेगा नहीं करेगा? तो हम एक बार फोन को पैक कर देते हैं अच्छे से। देखिए अभी भी पानी है दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों सब कुछ चला गया, यहाँ पर हमारा हेडफोन आइकन था वो भी चला गया दोस्तों। उसके बाद हमारा कैमरा भी साफ हो गया दोस्तों देखिए, और हमारा बैक कैमरा भी हमारा साफ हो गया दोस्तों। यहाँ बैक कैमरा हमारा बहुत सारा पानी था दोस्तों, तो पानी भी हमारा साफ हो गया दोस्तों। और हमारे इसके अंदर भी पानी था, इसके अंदर भी पानी था। तो आपको कुल मिला कि आपको फ़ोन की सर्विस आपको कर ही लेनी दोस्तों, और सर्विस करने से आपका फ़ोन अच्छे से चलेगा और अच्छे से वर्क करेगा। तो अभी हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, फ़ोन हमारा बिल्कुल आपको सर्विस कैसे करना आपको मैंने पूरा शूटिंग में बस दोस्तों बताया मैंने। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और साथ में घंटी भी दबा देना दोस्तों, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों का फ़ोन पानी में गिर जाए तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको इस बात की नॉलेज रहे दोस्तों, है ना? तो वो मेरे
मेरा वीडियो देख के उनका फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दें, आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, मिलता हूँ फिर नई वीडियो सर।